होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एएमआर मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं आपके लिए। मॉक टेस्ट 1 को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख लेना। सेक्शन ए में साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन नेवी एएमआर में, और उसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 25 होते हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चन होते हैं 12 मार्क्स के। तो ये जो सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से देख लेते हो ना, तो आप 12 मार्क्स अपने इंडियन नेवी एएमआर के लिए कंप्लीट कर लोगे, देख लोगे, मतलब 50 में से 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, ये आप लोग समझ लो। टेस्ट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टोटल क्वेश्चंस 10 है, टोटल मार्क्स 10 और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की। मतलब अगर आप कोई गलत करते हैं क्वेश्चन ये 10 में से, तो आप खुद से ये डिसाइड कर लेना कि आपका कौन सा गलत है और उसके लिए 0.25 मार्क्स अपने कम कर लेना। और फाइनल मार्क्स आपके कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा और आप कहां से हो। और साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर देना जरूर से। इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर के लिए तैयारी करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, इंडियन नेवी एएमआर के लिए मॉक टेस्ट सीरीज रक्षक ऐप पर आ गई है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो रक्षक ऐप से ही लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, आप चेक कीजिए, डेमो मॉक आपको मिल जाएगी फ्री में, उस मॉक टेस्ट को लगाइए। अगर आपको अच्छी लगती है टेस्ट सीरीज तो आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, बट आप मेरा कोड ABSTUDY50 यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 175 रुपीज में मिल जाएगा। तो जाइए लीजिए और फायदा उठाइए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के रेशियो में है, जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमशः लिखा गया मतलब इसी रेशियो में इसी प्रकार से है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 4x, 5x और उसके बाद हमारा 7x हो गया, ठीक है। अब हम अगर निकालना चाहेंगे टोटल पैसे जो हमारे पास हैं, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम क्या करेंगे, 4x है और 4x कितने 25 पैसे के लिए, तो यहां पर हम कर लेंगे 4x, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 25 पैसे, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे प्लस, और उसके बाद हम कर लेंगे यहां पर हमारा दूसरा 5x आ जाता है, और वो कितने के लिए है, वो 10 पैसे के लिए है, तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 10, ठीक है। प्लस यहां पर हमारा तीसरा 7x है, और वो किसके लिए आ जाता है, वो आ जाता है हमारा 50 पैसे के लिए, तो यहां पर 50 पैसे को मल्टीप्लाई करके रख देंगे, ठीक है। अब यहां हमारा ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ पैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो यहां पर पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, 100x, तो इसे लिख लेंगे 100x, प्लस दूसरे नंबर पर 50x, तो इसे लिख लेंगे, और तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा 350x, और टोटल पैसे इज इक्वल टू 305 × 100 पैसे, मतलब 305 रुपए की राशि है हमारे पास और 1 रुपए 100 पैसे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 500x हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा यहां पर हो जाएगा 30,500। अब x को हम अगर निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 30,500/500। यहां से अगर आप कट करेंगे तो सिंपल वे में x इज इक्वल टू 61 आ जाएगा, तो x का मान 61 हो गया। तो यहां पर हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, तो 4x क्या है, 4x 25 पैसे के सिक्कों के लिए, तो 4x है, तो 4 × 61 कर देंगे तो 244 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो 5x है, 5 × 61 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 305, और तीसरे नंबर पर है 7, तो 7 × x की वैल्यू पुट करेंगे 61, तो हमारा तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 427। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये हो गया 25 पैसे के सिक्के की संख्या, ये यहां पर हम 10 पैसे के सिक्के की संख्या, और तीसरे नंबर पर 427 है जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा है, देख सकते हैं ये सही जवाब हो जाएगा। आप फिर से चेकआउट कर लेना अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ हो, तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2,
आठ मेजों का क्रय मूल्य पांच मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा क्या गया है, यहां पर बोला गया है कि जो आठ मेज हैं यानी एट टेबल्स हैं, एट टेबल्स ठीक है, इनका जो है क्या कॉस्ट प्राइस, और यहां पर पांच टेबल्स के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमें निकालना है कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो हम मान सकते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमें अगर प्रॉफिट निकालना हो तो उसके लिए कौन सा सूत्र हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एसपी माइनस सीपी, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। और हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं यहां पर एसपी माइनस सीपी, जो कि हमारा प्रॉफिट हो जाता है, और अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कॉस्ट प्राइस यहां पर, और इस प्रकार से। अब हम निकालेंगे कैसे, ये ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि एक टेबल की जो कीमत है, जो क्रय मूल्य है, वो 100 रुपीज है। हम 100 रुपए मान लेते हैं एक टेबल की, एक टेबल की सीपी को हम 100 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, इतना हमने मान लिया। ओके, तो एक टेबल की सीपी कितनी हुई, एक टेबल्स की सीपी अगर हम इस हिसाब से देखें तो 800 रुपए हो गई क्या, तो 800 रुपए ये 8 टेबल्स की सीपी हो गई। अब ये जो एसपी है ना, उसे हम कैसे निकालेंगे, एक टेबल की एसपी कैसे निकालेंगे, 8 टेबल की सीपी इज इक्वल टू 5 टेबल की एसपी। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल तरीके से एक टेबल की हम एसपी निकाल लेंगे, एक टेबल की एसपी, एक की एसपी को अगर हम यहां पर निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा 800 और 5 टेबल, मतलब एक तो 5 टेबल के बराबर ही है ना, तो यहां पर ये निकाल लेते हैं, इसे करेंगे तो 160 रुपीज ये हमारा हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। यानी कि एक टेबल की सीपी 100 रुपीज है और उसकी एसपी जो है वो 160 रुपीज है, ठीक है, सीपी ये हो गया और ये एसपी हो गया। तो हम प्रॉफिट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 रुपया, यानी प्रॉफिट 60 रुपया इस पे प्राप्त होता है एक टेबल पे। तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, यानी जो प्रॉफिट हो जाता है हमारा जो कि 60 रुपए है, अपॉन सीपी, सीपी की वैल्यू क्या है, सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी क्रय मूल्य 100 रुपए है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, कट कर दिया और यहां 60 आ गया, मतलब 60% हमारा फायदा हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देख लेना, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 89 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा, LCM इतना है तो, ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, वो कितना है, 3026 है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है, इनका जो प्रोडक्ट है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 3026 अपॉन LCM जो यहां पर होता है, जो कि 89 हो जाएगा। अब इसे हम अगर निकालेंगे, कट करेंगे, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 34 हो जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 20 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं, समान कार्य को 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये इसका सही जवाब हमें बताना है क्या हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद करके रख लीजिएगा, M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2, ये एक फॉर्मूला है जिसे आप यूज करके और इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करेंगे तो वो आराम से, महिलाओं की पहली संख्या 20 है, 20, और D1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 दिन, तो यहां 10 लिख देंगे, इज इक्वल टू M2 को हम W लिख देते हैं, महिलाओं की दूसरी संख्या, इंटू D2 क्या रखा गया है, 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए जानना है हमें। तो हम क्या करेंगे, W निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू 20 × 10/2, इसे अगर आप कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, यानी कि 100 महिलाएं अगर होंगी तो आराम से 2 दिनों में उस कार्य को पूर्ण कर लेंगी। इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योग 59 होता है, संख्या कौन सी है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा और ये आप देखते ही सॉल्व कर लेना,
ये तो मैं वैसे समझा देता हूं कि अगर आपको सही से निकालना हो तो भी आप कैसे निकाल सकते हो। तो हम संख्या को ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है मान सकते हो। ए का तिहाई क्या होता है, एक तिहाई क्या होता है ए का, और ए बाई थ्री हो जाएगा क्या, जैसे वन का एक तिहाई क्या होता है वन बाई थ्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइव प्लस एक तिहाई यानी ए बाई थ्री इज इक्वल टू 59, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। अब हम अगर इसे निकालना चाहेंगे तो a by 3 इज इक्वल टू 59 माइनस 5, ये हो जाएगा क्या, सही है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे अब आगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमारा a by 3 इज इक्वल टू 54 आ गया है ना। अब हम अगर a निकालना चाहेंगे तो a इज इक्वल टू 54 इंटू 3 इज इक्वल टू 162 यानी 162, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी से 40% अधिक दक्ष है और एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं कि बी एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, तो ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, 40% दक्ष है मतलब उससे 40% ज्यादा कार्य करेगा, तो 10 का हम अगर निकाल लेंगे उसके यूनिट्स को तो हमारा हो जाएगा 140/10, यहां पर हम ये करके निकाल सकते हैं 100, ठीक है। यहां से एक जीरो चला गया और यहां से एक जीरो चला गया 14, यानी अगर ए एक दिन में बी एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है तो ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, ए एक दिन में 14 यूनिट कार्य करेगा, ठीक है। तो ए एक दिन में 14, तो 5 दिन में कितने यूनिट करेगा भाई, तो एक दिन में 14 करता है 5 दिन में 14 × 5 यानी वो 5 दिन में 70 यूनिट कार्य करेगा, ठीक है। तो 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 70 यूनिट को ये 5 दिन में कर लेता है मतलब 70 यूनिट, तो बी एक दिन में 10 यूनिट करता है तो 70 यूनिट करने के लिए क्या करेगा, तो बी इज इक्वल टू 70/10 इज इक्वल टू 7 यानी 7 दिनों में वो कर लेगा क्योंकि वो 10 यूनिट पर डे करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ पर्सन हैड walked 14 किलोमीटर आवर instead of 10 किलोमीटर आवर ही would have walked 20 किलोमीटर मोर, what is the actual distance covered by him, मतलब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की बजाय 14 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसकी तय की गई वास्तविक दूरी क्या है यह हमें बताना है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसकी। तो हम जो उसकी डिस्टेंस होगी तय की गई दूरी उसे हम d इज इक्वल टू एक्स मान लें क्या, एक्स किलोमीटर, ठीक है इतना हम मान सकते हैं। तो x बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 20/14, ये हम लिख सकते हैं यहां पर ना, 10 किलोमीटर की बजाय 14 किलोमीटर चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो इसलिए हमने x प्लस 20, 20 किलोमीटर अधिक चलता है 14 की स्पीड में, और x बाई 10 क्योंकि 10 किलोमीटर की बजाय चलता है 14 किलोमीटर, समझ गए ना। अब यहां पर सिंपल तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200 हो जाएगा ना। यहां पर अगर हम निकालेंगे तो 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 4x, तो 4x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 200/4 कट करेंगे 50 हो जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है, गणित में लड़कों की औसत अंक 78 हैं, यदि गणित की कक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 76 हैं तो गणित में लड़कियों की औसत अंक क्या है, यह हमें बताना है। तो इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे, गर्ल और बॉय का रेशियो जो है वो यहां पर क्या है, 4:5 है, इस तरीके से है क्या, छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की रेशियो,
यहाँ पर गर्ल और बॉय का रेशियो 5:4 है, ये हम मान सकते हैं ना। फिर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बॉय और गर्ल का, तब हम 4:5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे क्या, कि जी को हम 5 ले लेते हैं यानी गर्ल्स की संख्या को, और जो बी है यानी बॉयज की संख्या उसे हम रख लेते हैं 4A, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू 5A यहां कर लेते हैं और बी इज इक्वल टू 4A यहां पर कर लेते हैं हम, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स जो है बॉयज का वो क्या हो जाता है 78, एवरेज क्या होता है 78, तो बॉयज का टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स वो कितना हो जाता है 78 into 4A, ठीक है। और क्लास का टोटल मार्क्स कितना होता है, गणित की कक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 76 है, तो क्लास का टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 76 और इंटू 9A, 5A + 4A इज इक्वल टू 9A, सभी का मिला करके। अब यहां बहुत ही सिंपल तरीके से हमें करना क्या होगा कि गर्ल्स का टोटल मार्क्स निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, गर्ल्स टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 76, मतलब टोटल जो क्लास का है 76 इंटू 9 है, क्लास का टोटल मार्क्स माइनस बॉयज का टोटल मार्क्स, तो 78 इंटू 4 है, बहुत सिंपल है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो वो देखो, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 372A, इतना हो जाएगा क्या हमारा अगर हम इसे निकालेंगे तो हमारा ये टोटल कितना हो गया 372 है, माइनस करके देख लीजिएगा 76 इंटू 9A करके माइनस हम करेंगे यहां 78 इंटू 4A, तो आपका आराम से ये आ जाएगा 372A। अब हमें निकालना है गर्ल्स का, तो गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है 5 है यानी 5A है, तो हम गर्ल्स का निकालेंगे तो 372/5A, ठीक है। अब इसे हम अगर कट करना चाहेंगे तो A से A कट हो जाएगा, और इसे हम कट करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल आ जाएगा वो 74.4 मार्क्स आ जाएगा, यानी गर्ल्स का जो है एवरेज वो 74.4 मार्क्स हो जाएगा आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो हमने बचपन में ही सीखा है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास मीनिंग क्या होता है, बी से ब्रैकेट इन ऑर्डर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है ओ, ऑफ के लिए यूज होता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ गए। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, करना क्या है हमें, ये 324 है प्लस 9 का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 324 को तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 का ही हो जाता है ना अंडर रूट 324, ठीक है। यहां पर प्लस हम करेंगे तो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से 81 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे तो यहां पर हमारा 2 है और इनटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसे माइनस और प्लस करके देख लेते हैं तो यहां सबसे पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 99 - 49 तो इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2 इनटू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। यहां पर 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, यहां से करेंगे तो 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 10, तीन वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार एक वस्तु मुफ्त देता है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप अगर किसी दुकान पर जाते हो, तीन चीजें खरीदते हो तो एक चीज आपको फ्री में मिल जाती है, तो हमें डिस्काउंट का जो परसेंट है वो निकालना है। तो यहां पर क्या होता है, टोटल अंकित मूल्य जो है वो तीन गुड्स का है, तीन चीजों का प्लस एक गुड्स, यानी टोटल 4 का है, टोटल अंकित मूल्य 4 वस्तुओं का है।
वहां पर छूट क्या दिया जाता है, एक वस्तु को छूट दिया जाता है, तो छूट परसेंट कैसे निकालेंगे, छूट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, छूट परसेंट निकालने के लिए छूट अपॉन मतलब जो डिस्काउंट है अपॉन अंकित मूल्य, जो उस पर टैग्ड प्राइस है वो क्या है, कितने के लिए है, तो वो चार के लिए है, और इंटू 100%। छूट कितना मिल रहा है, एक का, तो एक अपॉन 4 × 100%, यहां से अगर हम कट कर लेंगे 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25%, यानी जो वो छूट दे रहा है, जो छूट परसेंट है वो 25% है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितने सही किए इसमें से और आपको कहां पर डाउट हो रहा था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी एमआर के लिए। इंडियन नेवी एमआर की फुल प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलेंगी, एमआर एसएसआर के लिए फिजिक्स और जीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार फिर से बता देता हूं, रक्षक पर जाकर मॉक टेस्ट जरूर लेना, बेस्ट तरीके की सीरीज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो मॉक लगाइए, अच्छा लगता है तो जरूर लीजिए। साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं आप, टेलीग्राम के बारे में पूरा ही बता देता हूं, स्टडी विद अभी से ये मेन चैनल है, स्टडी विद अभी से एक डाउट सॉल्विंग और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट होता है पूछिए। फिलहाल इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।